तो दोस्तों आईसीसी की वनडे टीम का ऐलान हो चुका है और बाबर आजम बने कप्तान, सिराज और अय्यर को भी मिली जगह। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने साल 2022 के पुरुषों की बेस्ट वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आईसीसी द्वारा घोषित की गई ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 का कप्तान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। बीते साल बाबर आजम वनडे में बेहतरीन कप्तानी करने के अलावा शानदार बैटिंग की थी, इसलिए आईसीसी ने की मेंस टीम ऑफ द ईयर भारत के श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को भी जगह मिली है। वहीं साल 2022 की बेस्ट वनडे टीम की खासियत किसी भी देश के दो से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाता है जो पूरे साल वनडे क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग या अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित की गई बेस्ट वनडे मैन ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और भारत से दो दो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से एक एक खिलाड़ी को जगह मिली है। तो बेस्ट मेंस वनडे टीम पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों इस टीम में बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है जो कि पाकिस्तान से हैं। वहीं ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, साई होप हैं जो कि वेस्टइंडीज के, श्रेयस अय्यर भारत के हैं। वहीं टॉम लैथम को जगह मिली है जो कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं। वहीं सिकंदर राजा जो कि जिम्बाब्वे के हैं, मेहंदी हसन को भी जगह मिला है जो कि बांग्लादेश के हैं, अल्जारी जोसेफ हैं जो कि वेस्टइंडीज से हैं। बात की जाए मोहम्मद सिराज की तो ये भारत के हैं जिनको भी जगह मिली है। वहीं ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड के हैं इनको भी जगह मिली है। वहीं एडम जैम्पा जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं उनको भी टीम में जगह मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी टीम ऑफ द ईयर 2022 का कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। बीते साल उन्होंने टीम की कप्तानी करने के अलावा शानदार बैटिंग की और बाबर की कप्तानी में 2022 में पाकिस्तान ने 9 मैच खेले जिसमें से 8 जीते और 1 हारा। बीते वर्ष पाकिस्तान का वनडे जीत प्रतिशत भी 88.88 रहा। इस दौरान बाबर आजम के बल्ले से खूब रन निकले। वहीं साल 2022 में बाबर ने 9 मैचों की सभी पारियों में 679 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। गुजरे साल एकदिवसीय क्रिकेट में बाबर आजम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 114 रन रहा था। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो चैनल को लाइक करें और अगर आप इंडिया के फैन हैं तो चैनल पर कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लग सके कि कौन इंडिया के फैंस बहुत कितने सारे हैं।